जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू साहिल है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि भाई आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले अपने 75 के यूट्यूब फैमिली की। और दोस्तों, मैं बताता हूँ आज के व्लॉग में क्या होगा। भाई आज का व्लॉग हमारा काफ़ी सिंपल रहने वाला है, हम लोग कोई केक कटिंग नहीं करेंगे हर बार की तरह। भाई आज हम लोग मिलेंगे अपने विशाल भाई से 75 के स्पेशल पे, और भाई वो हमारे को गिटार बजा के सुनाएंगे। तो भाई आइए चलते हैं, विशाल भाई से मिलते हैं फटाफट से यहीं से। तो भाई विशाल भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं, विशाल भाई से मिलते हैं। तो विशाल भाई, क्या हाल है आपके? हाय ब्रो, क्या और सुनाओ विशाल भाई, क्या हाल है? बढ़िया। तो भाई गिटार बजाने में आपका इंटरेस्ट कैसे है, थोड़ा हमें बताओगे इस बारे में? इंटरेस्ट तो भाई क्या बताएं आपको, मतलब एक होता है नेचुरल से, अंदर से म्यूज़िक सुनते थे, म्यूज़िक के बारे में इंटरेस्ट आने लगा अपने आप ही कि यार ये टोन कैसी बज रही है, ये है वह कुछ अपना भी, मतलब एक एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जी तो सारी दुनिया रही ही है। सही बात। तो भाई मैं अगर बात करूँ तो ये गिटार हम लोगों को कितने तक का पड़ जाएगा? भाई ये कितने का है जो आपके वाला है? देखो भैया, अगर इसकी बेसिक अगर हम देखें, ठीक है प्लीज़ सर, अगर हम इसके बेसिक ऑनलाइन परचेज करें तो ये अभी भी मतलब ऐसा है 21-22 हज़ार रुपये का। अच्छा, ये 21-22 हज़ार रुपये का ये? हाँ। सो ये है बेसिकली गिटार, फेंडर का गिटार है ये, ठीक है। बहुत ही प्यारा साउंड है अगर इसका देखोगे, बेसिस वगैरह इसमें, यहाँ पे आप इसे बेस वगैरह भी ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। भाई मैं एक बार बोलूंगा, कुलदीप भाई एक बार आगे आके दिखाना। भाई दोबारा बताना आप क्या बता रहे हो। ये इसका मिडिल हो गया, यहाँ से बेस क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है, ट्यून कर सकते हैं, ऑटो ट्यूनर है, मोबाइल में आप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, 6 स्ट्रिंग्स यहाँ दिख जाती है। यहाँ पे इसकी जो है बैटरी आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और ये आपका है कनेक्टर जिसमें आप कोई भी अपना स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आवाज तेज के लिए। बिल्कुल। तो भाई एक बार इसे आप बजा के दिखाओगे, पहले मैं एक बार ट्यूनिंग सुनाओ। तो गाइस आप लोग एक बार ट्यूनिंग सुनो, भाई मैं अपना माइक लगाता हूँ यहाँ पर। तो भाई ट्यूनिंग सुनो एक बार आप, भाई बजा के दिखाना। तो भाई विशाल भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि भाई आपने मतलब इसे बजाना कैसे सीखा है, मतलब खुद से एक वो होता है ना भाई, मतलब बंदे के अंदर जागरूकता आ जाती है कि भाई मेरे को ये बजाना है, और भाई कितना टाइम लगा, मतलब क्या अंदर दिक्कतें आती है अगर बंदे सोचे तो, भाई कैसे हो सकता है वो, थोड़ा समझाओगे उसे? और भाई थोड़ा तेज बोलना, मेरे को लग रहा है आपके साउंड थोड़ी धीरे जा रही है वहाँ पे। ठीक है दीपांशु भाई, अगर मतलब आप गिटार सीखना चाहते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो देखो आपके अंदर एक अंदर से एक टाइम देना होता है प्रॉपर, उसके साथ एक अटैचमेंट होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सीखने के लिए देखो, आप अगर किसी भी जगह पे जाते हो सीखने के लिए, जो बेसिक गिटार की कॉस्ट होती है मंथली के जीव, वो आपका 2000 रुपये मिनिमम स्टार्ट होता है। अच्छा। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपको स्टार्टिंग में सारे गामा वगैरह सारी चीज़ें सिखाते हैं, सारे टैप्स सिखाते हैं, जैसे ये आप टैप्स बजाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये होते हैं पहले आपको टैप्स वगैरह सिखाएंगे, जिसमें आपकी सारी उंगलियां कट जाते हैं। अब देख सकते हैं, दिखाओगे भाई की उंगली? देखो एक बार भाई, देखो ऐसी आपकी उंगलियों की हालत हो जाएगी, मतलब यहाँ पे गांठ पड़ जाएगी, कट जाएंगे, ठीक है, पक भी जाते हैं। और आपको मतलब जितना टाइम इसे दोगे उतना आप फ्लुएंट बजा पाओगे, ठीक है, सीखने के लिए तो ये है बेसिक। और बाकी भाई अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? भाई मतलब क्या आपको लगता है इसको बजा के कैसी फीलिंग आती है, उसके बारे में थोड़ा बताओगे हमारे को? भाई दिल से अटैच हो जाता है। दिल से अटैच हो जाता है, मतलब ये मतलब लाइक बच्चा ही है एक तरीके से अपना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है आपको अपने गिटार के ना, अगर उसमें स्क्रैच भी आ जाएगी तो आपको पेन होगा। मतलब वही जैसे बंदों का लगा हुआ होता है ना कि हमने गाड़ी ली है, स्कूटी बाइक ली है, भाई इस पे स्क्रैच ना आ जाए। हाँ जैसे साफ करते ना तो वैसा हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आदमी के पास कुछ करने को नहीं होता ना, इसमें काफ़ी आप अपना टाइम भी पास कर देते हो, अकेले बैठ जाते हो, अगर आपके साथ कोई नहीं भी हो ना तो भी आप अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर लोगे सिर्फ अपने गिटार के साथ। तो भाई दोस्तों मुझे लगता है हम लोगों ने बात काफ़ी ज़्यादा कर ली है, तो भाई अब विशाल भाई से बोलते हैं, भाई दो चार हमें ट्यूनिंग सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया, और एक दो बॉलीवुड सॉन्ग भी सुनाएंगे मैंने सुना है। और बाकी भाई मैंने सुना आप अपना भी चैनल बना रहे हो एक? हाँ भैया, सोच तो रहे हैं अभी। तो भाई किस टाइप का कंटेंट रखने की आपकी प्लानिंग है, या गिटार ही बजाना है? देखो गिटार भी प्ले करेंगे, ये तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ। बाकी मोटो ब्लॉगिंग वगैरह सोचा। अच्छा, तो भाई मोटो ब्लॉगिंग का चैनल खोल लिया। बाकी दोस्तों आपको आने वाली वीडियो में भाई के चैनल का नाम बता दूंगा, तो आप भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स ये इसके कुछ टैप्स हैं जो मैं एक बॉलीवुड का पुराना बहुत रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद इसका म्यूजिक सुनाते हैं।
प्ले करते हैं। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू साहिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरे है, मेरी लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। फ्रेंड्स ये कुछ स्ट्रमिंग्स हैं जो बेसिकली बहुत ही हैप्पी साउंड करते हैं, सो एक बार इन्हें सुन के देखिए आपको, आई होप यू एंजॉय इट। ये फर्स्ट हो गई, सेकंड ये चक पैटर्न में, इसके साथ आप कोई भी गाना ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे सुन सकते हो आप। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वही भर, कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आओ ना होश में मैं कभी, आओ में है तेरी जिंदगी। तो भाई बताना आपको कमेंट में कैसा लगा विशाल भाई का गिटार बजाते हुए, तो भाई मेरे को काफी अच्छा लगा। और बाकी दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना।